व्हाट्सअप गाइज, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, जहाँ हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एक ग्रुप ऑफ डेटा को एक स्ट्रक्चर में डालकर अपनी प्रोग्रामिंग को अच्छा कर सकते हैं और अपना जो कोड है उसको रीडेबल बना सकते हैं और भी काफ़ी फ़ायदे जो होते हैं वो मैंने आपको इसके बारे में बताए थे। इस वीडियो में हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है पॉइंटर्स पे बेस्ड होता है, तो अगर आप लोगों को पॉइंटर्स के बारे में नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं है, इस वीडियो में हम लोग पॉइंटर भी डिस्कस कर लेंगे। हालांकि मैंने पॉइंटर्स की एक वीडियो पहले बना रखी है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करवाऊंगा उस पॉइंटर्स का, और उसी के साथ साथ हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बना रहा हूँ, एक एन, एक आई, एक पॉइंटर बना रहा हूँ और एक सम बना रहा हूँ जिसको मैं दे दे रहा हूँ वैल्यू ज़ीरो। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक हम प्रिंट एफ लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जैसे ही मैंने ये एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा, मैं एक बैक स्लैश एन लगाऊंगा और स्कैन एफ की मदद से, स्कैन एफ की मदद से मैं क्या करूँगा, परसेंटेज डी अपने जो एन है उसको रीड कर लूँगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, हम लोग डायनामिकली जो है सम फाइंड आउट करेंगे गिवन नंबर्स का, जो कि रन टाइम पे एलोकेट होंगे। तो मुझे आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए और मैं आप लोग को ये सब समझाऊंगा। तो देखिए होता क्या है ना कि जब हम किसी भी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसका साइज़ पहले बता देते हैं सी को कि भाई इतना साइज़ उसका कर दो। उसी तरह हम जो साइज़ उसका डालते हैं, अब हमको हो सकता है उससे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ज़रूरत हो सकता है एक क्लास में बच्चे हों 50, दूसरी क्लास में बच्चे हों 100, और कोई कोई बड़ी बड़ी क्लासरूम्स हैं तो उसमें 1300-1500 बच्चे भी हो जाएं। हालांकि इम्प्रैक्टिकल, लेकिन एक अजम्पशन लेकर चलते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे उन सारे जो क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं उनके जो मार्क्स हैं उनको सम करना है, तो मुझे सिर्फ एक प्रोग्राम बनाना है ये काम करने के लिए, तो मैं एरे का साइज़ कितना लूँगा? ऑब्वियसली बात है, मुझे 1200 लेना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि रन टाइम में मैं बता सकूं अपने प्रोग्राम को कि कितने बच्चों का मैं सम करने वाला हूं? तो इसी पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आधारित है। तो मैंने यहां पर क्या किया, अभी सिर्फ n को लिया है यहां पर स्कैन एफ से, जो कि मेरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट्स मैं कह रहा हूं यहां पर, तो उसको ऐसे ही रखते हैं। अब एक काम करते हैं, यहां पर PTR इज इक्वल टू, ये जो सिंटैक्स है ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की जान है। एक बार और, ये जो सिंटैक्स मैं लिख रहा हूं वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की जान है। int star malloc n into size of, size of के बारे में मैंने आपको बताया था, size of int देगा 4। अगर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा डेटा टाइप कितना जो बाइट है वो ले रहा है वो बताता है यहाँ पर ये। तो int क्योंकि लेता है 4 बाइट्स तो ये 4 दे देगा, तो डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने जो पॉइंटर बनाया वो क्या करेगा, वो एलोकेट कर देगा n ब्लॉक्स int के, यानी n इंटू मैलॉक क्या करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है। तो एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है हमारा, वो हमको डायनेमिकली दे देगा। अगर मैं यहाँ पर 3 डालूंगा तो वो 3 इंट के ब्लॉक बनाएगा, मैं 1300 डालूंगा तो 1300 इंट के ब्लॉक बनाएगा, अगर मैं इंट की जगह कैर डालूंगा तो वो कैरेक्टर के ब्लॉक्स बना देगा। और इसी तरह हम किसी भी तरह का डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स यही रहेगा। अब एक चीज़ चेक करते हैं, मान लो किसी तरह मेरा ये डायनेमिक जो डायनेमिकली अलॉट कर रहा हूँ मेमोरी वो फेल हो गई, तब क्या होगा? तब वो बोलेगा प्रिंट एफ कैन नॉट एलोकेट। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब हमारी मेमोरी फुल हो गई हो, बहुत ज़्यादा हमने रिक्वेस्ट कर ली हो, या कुछ गड़बड़ हमने कर रखी हो, तो हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए जो आपका प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम में एरर आते हैं वो प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके UI में अगर आपका यूज़र कोई गलती कर रहा है तो आप उससे नहीं कह सकते कि आपने यहाँ क्लिक क्यों किया इसलिए एरर आ गया, नहीं, एरर हैंडलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक प्रिंट एफ लगाते हैं। प्रिंट एफ लगाकर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, नॉट नंबर, नंबर तो हमने ऑलरेडी ले लिया, एलिमेंट्स ऑफ एरे। अब क्या होगा, यहाँ पर मैं स्कैन एफ की मदद से सारे आपके जो ये हैं क्या कहते हैं एलिमेंट्स उनको रीड करूँगा। तो मुझे n एलिमेंट्स रीड करने हैं, i++, ये फॉर लूप का सिंटैक्स है जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में है आपका सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट, अगर आपको बेसिक से देखना है और यहाँ पर कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं तो ये ट्यूटोरियल मैं बता दूं आपको, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो ट्यूटोरियल्स उनका पार्ट है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ परसेंटेज टी
और एम परसेंट, और मैं एम परसेंट नहीं लगाऊंगा अभी, मैं लिखूंगा पी टी आर प्लस आई। आइए इसको डिस्कस करते हैं कि किया क्या मैंने यहाँ पर। मैंने यहाँ पर क्या किया कि स्कैनफ की मदद से बोला कि पॉइंटर प्लस आई, पॉइंटर प्लस आई क्या करेगा, पी टी आर प्लस जीरो तो पी टी आर हो गया, वो पॉइंट करेगा मेरे पहले ब्लॉक को। अगर मैलॉक ने मेरे 10 ब्लॉक एलोकेट किए तो वो पी टी आर जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर पी टी आर प्लस जीरो, ये करेगा पहले ब्लॉक को एलोकेट। तो ये जो स्कैन करके एलिमेंट डाल देगा मेरे पहले वाले ब्लॉक में, उसके बाद पी टी आर प्लस वन चला जाएगा दूसरे इंट ब्लॉक में। वो क्या करेगा, पी टी आर प्लस वन मेरा जो एलिमेंट है जो मैंने स्कैन एफ से रीड किया है उसको डाल देगा दूसरे वाले ब्लॉक में। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स मैंने रिक्वेस्ट किए या मैलॉक से उतने एलिमेंट्स भरते चले जाएंगे इस फॉर लूप्स की मदद से। तो ये समझने की आप लोग कोशिश कीजिए, खुद इस प्रोग्राम को रन कीजिए। कोड वोड सब मैंने अवेलेबल करा रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर मेरी वेबसाइट से देखिए, कोड कॉपी कीजिए, कॉपी करके आप लोग चला कर देखिए कोड, मज़ा आने वाला है एकदम आप लोग को भी, जब चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। सम प्लस इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ देखना आप, पी टी आर प्लस आई। अब ये क्या लिख दिया मैंने, अभी देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा होगा कि यार ये क्या कर दिया मैंने, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये पॉइंटर की डी रेफरेंसिंग है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली बोला है जो पी टी आर प्लस आई यानी आईथ ब्लॉक में जो भी नंबर है वो सम में जोड़ दो। यानी मैंने पी टी आर प्लस आई लिया है पहले, वो पॉइंटर लिया जो कि पॉइंट कर रहा है मेरे उस ब्लॉक को, और उसके बाद उसका एड्रेस ले लिया है मैंने, सॉरी उसकी वैल्यू ले लिया, सॉरी एड्रेस नहीं वैल्यू ले लिया, यानी उसको डी रेफरेंस कर दिया है। इसके अंदर आएगा एड्रेस और उस एड्रेस को डी रेफरेंस कर दिया मैंने इस स्टार को यूज़ करके, और इस स्टार को यूज़ करने के बाद मेरी जो डी रेफरेंसिंग है वो डाल देगी सम के अंदर, यानी सम में जोड़ देगी वो वैल्यू को। तो अगर मैंने 10 डाला है तो सम प्लस 10 हो जाएगा, सम की वैल्यू 10 हो जाएगी, फिर से आएगा फॉर लूप के अंदर, अगर इस बार मैंने 100 डाल दिया तो 110 हो जाएगी। इसी तरह वो नंबर्स को जोड़ता चला जाएगा, फाइनली क्या होगा, ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तब मैं क्या करूँगा, तब मैं बोल दूंगा सम इज परसेंटेज डी, और मैं अपने जो सम है उसको कर दूंगा प्रिंट। तो ये हमारा है प्रोग्राम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। यहाँ पर मैं बैकस्लैश एन लगाऊंगा, जो कि मैं जोश में लगाना भूल गया, कुछ ज़्यादा ही जोश में आज पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, और मुझे बताना ये तरीका मेरा आपको पसंद आया कि नहीं, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, कुछ सीखा जा रहा है, कुछ सीख मिल रही है, क्योंकि आपको कुछ सीख मिल रही है, इसलिए जोश आपके खून में होना चाहिए, जोश आपके दिमाग में होना चाहिए, और जोश आपकी उंगलियों में होना चाहिए जिनसे आप कोड टाइप कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक मिनट, जाने से पहले आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पर फ्री पीटीआर जरूर लिख दीजिए। क्यों लिखेंगे फ्री पीटीआर, भाई आपने एक मेमोरी एलोकेट की है, उस मेमोरी को आपने इस्तेमाल कर लिया, एक थाली में आपने खाना खा लिया, थाली धोने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। तो फ्री करो पॉइंटर को, जो पॉइंटर जो ब्लॉक आपने यूज कर लिया मेमोरी का वो दूसरा भी तो यूज कर सकता है, उस थाली में दूसरा बंदा भी तो खाना खा सकता है अगर आपने धो दी तो धो दो थाली को। थाली क्या है, पॉइंटर, और जो साबुन है हमारा विम बार वो क्या है, फ्री से आप पॉइंटर को कर दो फ्री। यानी जो मेमोरी थी, जो इतनी सारी मेमोरी मैंने यहाँ पे ले रखी थी पीटीआर में, उसको मैं कर रहा हूँ फ्री, किसकी मदद से, फ्री फंक्शन की वजह से। और ये फ्री क्या है, हमारा विम बार, अगर आप कोई दूसरा यूज़ करते हैं तो वो कुछ भी मान लो यार, लेकिन फ्री कर दो पॉइंटर को, ताकि इसके बाद अगर आप कुछ और मेमोरी इंटेंसिव टास्क करें, हालांकि ये तो सिंपल सा प्रोग्राम है यार, तो आपको मज़ा आए, मतलब आपका प्रोग्राम क्रैश ना हो, कोई ये मज़े लेने के लिए नहीं लिखे जा रहे प्रोग्राम। यानी कि अगर मेमोरी बचेगी नहीं तो कहाँ से लाओगे, अगर 8 GB रैम है आपके कंप्यूटर में, 7 GB आपने यहाँ तक यूज़ कर ली, अब इसके बाद 4 GB की ज़रूरत है तो कहाँ से लाएगा वो, आप ही बताओ। तो ये हम इसलिए फ्री को जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग को ये मेरा तरीका पसंद आया पढ़ाने का तो ज़रूर बताना, और आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया, इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन में क्लिक करके घंटे को दबा दीजिए, और ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए वीडियोज़ की। और मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा फाइल आईओ के ऊपर। लेकिन एक मिनट यार, अभी से मैं एग्जिट कैसे मार रहा हूँ, मैंने प्रोग्राम तो रनिंग करके नहीं दिखाया, और यहाँ पर आ गया है हमारा प्रोग्राम में एरर। क्या कह रहा है एरर, देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये वार्निंग दे रहा है, कह रहा है एरर एक्सप्रेशन बिफोर इक्वल एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर इक्वल टू टोकन। अच्छा, ये ऑपरेटर होता है यहाँ, ये सम प्लस इक्वल्स टू एक ऑपरेटर है। अब नहीं आएगा एरर, नहीं आ सकता यार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 डालता हूँ, जोश में एकदम भूल ही गया प्रोग्राम को रन करना, तो आप लोग ऐसी गलतियाँ ना करें। 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 73 बता रहा है सम, किसको पता सही है गलत, इसलिए छोटे नंबर्स लेके देखते हैं। 4 डालूंगा, 4 बार 1 डालूंगा, और देखिए सम इस 4 आ गया, पॉइंटर फ्री हो गया। और अगर मैं और भी किसी इनपुट के लिए चेक करूँ, 4, 5, 6 और 1 क्या आना चाहिए बताइए, 16 आना चाहिए,
और एक और अभी ज़ीरो डाल देता हूँ, तब 16 आएगा, 16 छः, अरे सॉरी मैंने 4 जोड़ दिया इसमें, 6 और 1 7 और 5 12, तो गणित भी ख़राब होती जा रही है। आप लोग देख रहे हैं कैसे कैसे एक बुढ़े इंसान की गणित भी ख़राब होती जाती है टाइम के साथ साथ। तो इस वीडियो ने आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई, मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये सब पसंद आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शायद मैं कुछ और नहीं भूल रहा हूँ, मैंने वीडियो ये प्रोग्राम रन करके भी दिखा दिया आप तो अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो कर दो यार लाइक, अब तो रन करके भी दिखा दिया। और अगला वीडियो होगा फाइल आयो के ऊपर, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा। इसके बाद में C++ की सीरीज़ भी बनाऊंगा, तो अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो मुझे बताओ यार, प्लीज़ बताओ, कमेंट लिखो यार, और मैं रिप्लाई कर रहा हूँ कमेंट का, उसके बाद भी आप लोग कमेंट नहीं लिख रहे हो ऐसा मत करो प्लीज़। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।